श्रीमद् भागवत कथा के अंतर्गत सारी कथाओं को हम आप श्रवण कर रहे हैं। ये भरत जी थे तो ये भगवान के चरणों में प्रेम रखते थे, भगवान के चरणों में इनका अनुराग था। भरत जी को लगा कि मेरी उम्र ऐसी ही बीती जा रही है, इसलिए मैं कुछ भगवान प्राप्ति कर लूं, भगवान प्राप्ति के लिए अपने राज्य को छोड़ करके वन में आते हैं, अरण्य में आते हैं। और जब वन में आते हैं फर्क देखिए महाराज, जीव यहाँ पर तो अपना अपना करता है, इसलिए उसे लगाव होता है, माया घेरती है। भरत जी अपने राज्य को माया से छोड़ करके दूर जंगल में आकर के तपस्या करने जा रहे हैं, परंतु होनी होनहार होती है। एक दिन भरत जी महाराज नदी में स्नान कर रहे थे, तभी वहां पर कुछ मृगों का समूह आया, मृगों का समूह आया जिसमें से एक मादा मृग था, एक मादा मृग था हिरणी, जो कि गर्व से थी। शेर ने गर्जना की, शेर की गर्जना को सुन करके वो मादा मृग भी भागी, सारे मृग भागे तो वो भी भागी, और जब छलांग लगाई तो उसके गर्भ से छोटा सा बच्चा गिर गया। और ये भरत जी देख रहे थे, भरत जी अपने गोद में ले लेते हैं बच्चे को, और गोद में लेकर के अपनी कुटिया पे आते हैं। महाराज जब कुटिया पे आते हैं तो भरत जी सोते, जागते, उठते, बैठते केवल मृग बालक को प्रेम करते हैं, अपने साथ में भोजन कराना, उसे दूध पिलाना, उसे स्नान कराना, और यहाँ तक कि महाराज पूजन में भी बैठते थे अपने पास में। एक दिन ऐसा हुआ भैया कि भरत जी पूजन के लिए बैठे और हाथ जोड़ करके ध्यान में मगन होकर के पूजन करने लगे, और जब पूजन करने लगे तो ये जो मृग बालक है, मृग का बच्चा, ये कई सारे मृग को देखा और अपने समान में देख करके, अपने भांति देख के, अपनी तरह देख के उन्हीं मृगों के झुंड में चला जाता है, उन्हीं के साथ चला जाता है। भरत जी जब उठे पूजन से तो ढूंढने लगे, जब भरत जी को मृग बालक नहीं दिखा तो भरत जी के आंखों से अस्त्रपात होने लगा, मानो गरम गरम लहू की पनारे बह रहे हो। भरत जी कभी कुटिया के अंदर जाते, हाथ को मचलते, मेरा मृग बालक कहाँ है, कभी वृक्ष के पास जाते, मेरा मृग बालक कहाँ गया, कोई तो बताओ मेरा मृग बालक कहाँ है, वो मेरा छोटा सा बालक कहाँ है, उसे कोई पकड़ तो नहीं ले गया, उसका कोई शिकार तो नहीं कर लिया, मेरा मृग बालक कहाँ गया। आज भरत जी चिल्लाते रहे, मृग बालक, मृग बालक,
भोजन करना बंद कर दिया, जलपान करना बंद कर दिया, जल पीना बंद कर दिया। महाराज मृग बालक करते करते भरत जी की मृत्यु हो गई। और जब भरत जी की मृत्यु हो गई तो बताया गया है पुराणों के हिसाब से, ग्रंथों के हिसाब से, कि मरने वाले जीव के मुख से जो शब्द निकल जाता है उसी योनि में उसे जन्म मिलता है। बोलो राधे राधे। भरत जी को पुनः जब जन्म मिला तो मृग बनकर के उनका जन्म हुआ, मृग की योनि से जन्म हुआ। मृग योनि में जब भरत जी आए तो भरत जी भाई तपस्वी थे, वो पूजा पाठ किया करते थे, जप व्रत नियम किया करते थे, संध्या किया करते थे। इसलिए मृग योनि में तो उनका जन्म हुआ, परंतु मेरी मैया वो अपने नियमों को नहीं भूले हैं। वो भोजन करते हैं, पहले स्नान करते हैं, भगवान का ध्यान करते हैं, तब वो भोजन ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार भरत जी जब मृग योनि को भी छोड़ते हैं, जब मृग योनि में मृत्यु को प्राप्त करते हैं, तो वो एक ब्राह्मण के यहाँ जन्म लेते हैं, जिनकी दो पत्नियां थी, एक पत्नी से दो बच्चे और दूसरी से एक पुत्र और एक पुत्री। समय बीतता गया, कुछ दिनों बाद ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। लेकिन जब उनकी मृत्यु हो गई तो जो एक स्त्री से दो पुत्र थे, उन्होंने सोचा कि यदि इसे ज्यादा पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो इसके अंदर ज्ञान आएगा, और ज्ञान आएगा तो जब हिस्सा बटेगा तो ये भी हिस्से का भागीदार बनेगा। इसलिए भाइयों ने सोचा कि हम इसे नहीं पढ़ाएंगे, क्या नहीं करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे। भरत जी बड़े सीधे थे, इतने सीधे थे कि कभी कोई भी व्यक्ति कुछ कार्य के लिए कह देता तो भरत जी करने लगते थे। महाराज एक निवेदन करना चाहेंगे, आज के टाइम पर सीधा व्यक्ति जो होता है लोग उसे पागल कहते हैं ना। भरत जी के भाई काम करवाया करते थे, खेतों का काम करवाया करते थे, इसलिए ये सब देख करके गांव के लोग भी भरत जी से, भरत ये कर दे, भरत वो कर दे। और भरत जी इतने सीधे थे कि इनको सब जड़ भरत कहने लगे। जड़ मतलब मंद बुद्धि वाला, पागल, सब कहते जड़ भरत ने। एक दिन भाइयों ने विचार विमर्श किया कि ऐसा करते हैं कि इसको जंगल में भेजते हैं जहां पर हमारा खेत है। और भाइयों की जो पत्नियां थी उन्होंने कहा कि अगर हम वहां भेज देंगे तो ये दोबारा आ जाएगा। भाइयों ने कहा नहीं आएगा, दो चार दिन भोजन पानी वहां देंगे फिर वहीं पड़ा रहेगा। भाइयों की पत्नियों ने कहा ये तो बहुत ही सही है। एक दिन महाराज भरत जी को भाइयों ने बुलाया और भरत से कहते हैं कि जंगल के पास जो खेत है वहां पर तू जा, वहां पे कार्य किया कर, और तुझे टाइम पर हम जल और अन्न ला करके देंगे, भोजन देंगे। भरत जी सीधे थे महाराज। भरत जी कहते हैं ठीक है भैया, मैं अभी चला जा रहा हूं,
भरत जी शीघ्र चले गए जंगल में। दो चार दिन तो भाई भोजन लेकर के गए, लेकिन दो चार दिन के बाद वो भी बंद कर। एक दिन भरत जी को बहुत तेज की भूख लगी। भरत जी उठे और उठ के कुछ दूर आए कि मैं चलता हूँ घर, लेकिन बेचारे बड़े सीधे थे। उन्हें याद आया कि भैया ने मना किया है कि घर नहीं आना। भरत जी वृक्ष के नीचे बैठ गए, पेड़ के नीचे बैठ करके लिख रहे हैं, भैया कब आओगे? भैया भैया मुझे बहुत तेज प्यास लगी है, मेरा गला सूख रहा है, मेरे कंठ सूख रहे हैं, जल्दी आ जाओ। ये दुनिया ऐसे ही है महाराज कि एक माँ के गर्भ से दो संतान जन्म लेती है, दो बच्चे, लेकिन अपने ही खून के लिए, अपने ही अंश के लिए भाई भाई में विवाद हो जाता है। और कहते हैं एक माँ चार बच्चे को जन्म देती है, चारों को लाड लड़ाती है, प्रेम करती है, प्यार करती है, पालती है। एक माँ चार बच्चे को पाल लेती है, परंतु यदि माँ के चार पुत्र हैं तो चार पुत्र से एक माँ नहीं पाली जाती है। मेरे वृंदावन में कितनी सारी माताएं आई हुई हैं बाहर से रहने के लिए। आज ये जो भरत जी हैं, ये भी बेचारे परेशान हो गए, लेकिन भाई नहीं आए। उसी जंगल में एक माँ भद्रकाली की विशाल मंदिर थी, प्राचीन मंदिर, बहुत पुराना, और वहां के लोगों का मानना था कि माँ भद्रकाली के मंदिर में यदि बलि दे दो तो माँ मनचाहा वर देती। वहां पर कुछ डाकुओं का समूह आया और डाकुओं ने सोचा कि माँ भद्रकाली के मंदिर में बलि देने से माँ मनचाहा जब वर देती है तो हम भी बलि देंगे। डाकू का जो सरदार था, सरदार ने कहा कि आप डाकुओं से, सरदार कहते हैं जाओ देखो किसी को पकड़ के लाओ जिसकी हम बलि देंगे। सरदार की आज्ञा पाकर के डाकू भाग करके आते हैं, ढूंढते हैं, कोई नहीं मिलता है। फिर डाकुओं की दृश्य नजर पड़ते हैं, कहां पर? वहीं जड़ भरत जी जहां पर वृक्ष तले बैठे हैं। डाकू आते हैं, भरत जी से कहते हैं चलो हमारे साथ। भरत जी कहते हैं हम आपके साथ चलेंगे तो आप हमें क्या खिलाएंगे? मुझे तो बहुत तेज प्यास लगी है, भूख लगी है। डाकू ने कहा हम अच्छे अच्छे व्यंजन तुम्हें खिलाएंगे, पकवान खिलाएंगे, मेरे साथ चलो। भागवत प्रेमियों, आज जड़ भरत जी बड़े प्रसन्न होकर के चल देते हैं, माँ भद्रकाली के मंदिर में आते हैं। तो वहां का मानना था कि जिसकी बलि दी जाएगी उसको अच्छे पकवान खिलाने पड़ेंगे, भोजन करा के तब आत्मा तृप्त करके बलि दी जाएगी। भरत जी देखते हैं बहुत सारे व्यंजन बने हुए हैं। भरत जी दोनों हाथों से खाना प्रारंभ किए, और जब खाना प्रारंभ किए तो भरत जी कह रहे हैं भैया इतने अच्छे पकवान। डाकू ने कहा कि खा लो, अभी तो तुम्हारी वैसे भी बलि दी जाएगी। जड़ भरत जी कहते हैं भैया अगर मुझे रोज ऐसे पकवान दो, मेरी रोज बलि लो, तो मैं रोज आ जाऊंगा, लेकिन मुझे पकवान दे देना। बोलो राधे राधे। तो महाराज इस प्रकार जड़ भरत जी भोजन को करते हैं। भोजन करने के बाद भरत जी कहते हैं भैया अब क्या करना पड़ेगा? सरदार ने कहा कि घुटने के बल पे बैठ जाओ।
और सर नीचे करके माँ को याद कर लो। भरत जी सीधे साधे घुटने पे बैठते हैं, घुटनों पे बैठ के सर को नीचे करके माँ भद्रकाली को याद करते हैं। डाकू का सरदार जो है वो खंजर निकालता है और तलवार निकाल करके मियाने से तलवार निकाल के जैसे जड़ भरत के गर्दन के ऊपर प्रहार करने चलता है, एक प्रकाश उत्पन्न होता है, घंटे की ध्वनि बजने लगी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तु ते। या देवी सर्वभूते तु मातृरूपेणु संस्थिता नमस्तस्तै 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 च नमो नमः। बोली भद्रकाली मैया की। इस प्रकार माँ भद्रकाली प्रकट होती हैं, डाकू से युद्ध करती हैं, डाकू को मुक्ति देती हैं और जड़ भरत जी को आशीर्वाद देती हैं। भागवत प्रेमियों, यदि आपके मन में ठाकुर जी के प्रति माँ के प्रति थोड़ी सी ममता थोड़ी सी करुणा है तो माँ दर्शन जरूर देती है, लेकिन केवल भगवान का दर्शन वही पाते हैं जिसे दुनिया पागल समझती है, जिसे दुनिया वैरागन कहती है, जिसे दुनिया मूर्ख समझती है। भगवान ज्ञानियों को दर्शन नहीं देते, भगवान तो केवल अपने कोमल से नादान से भक्त को दर्शन देते हैं। और मीरा को भी दुनिया पागल कहती थी, शबरी को भी दुनिया पागल कहती थी, गणिका को दुनिया पागल कहती थी, अजामिल को दुनिया पागल कहती थी, लेकिन उन्हीं को माँ का दर्शन मिला, प्रभु का दर्शन मिला। इसलिए मन चंगा होगा भैया तो कठौती में ही गंगा होगा, जो महापुरुषों ने बताया है वो गलत नहीं है। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण।